हेलो दोस्तों, आज दोस्तों आपको बना के दिखाऊंगा एक बहुत काम का चीज़। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो मेरा टेबल है, काम का टेबल, और मेरे पास ये जो रिमोट है, देखिए मैं रिमोट से ये जो कैच कर रहा है, रिमोट कैचर ये मैं बनाया। बहुत दूर से ये रिमोट कैचर काम करेगा। तो अब रिमोट ख़राब हो जाएगा, रिमोट टेस्ट करने के लिए और रिमोट सर्विस करने के लिए ये जो कैचर है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कैसे यूज़ किया जाता है मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। मेरे पास दूसरा रिमोट है, ये रिमोट से भी आपको ये कैचर कैच करके दिखा रहा हूँ। ये सब बॉटम ओके है, जिस बॉटम काम नहीं करेगा इस तरह दोस्तों, देखिए ये बॉटम काम नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्तों रिमोट कैचर का अंदर आप देख सकते हो कुछ भी कैच नहीं कर रहा है, इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है। बट दोस्तों दूसरा ये बॉटम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बनाना बहुत सिंपल है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए इसी तरह आप कर सकते हो। मैं एक जो डब्बा है, ये डब्बा का अंदर ये सर्किट बना के इसका अंदर रख दिया, ठीक है, सिंपल तरीका से मैं रख दिया। और ये बहुत दूर से ये कैचर काम करेगा। बट ये जो हल्का ब्लिंकिंग कर रहा है, मेरा ये जो सबका अंदर टेबल का अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी रहता है, तो इसी का वजह इसी तरह ये काम कर रहा है। और रिमोट जब दबाएगा तो ये बहुत फुल ग्लो करेगा इसी तरह, आप देख सकते हो। देखिए रिमोट दबाने के बाद ये ग्लो कर रहा है, और ये हल्का सा जो ब्लिंक कर रहा है, आप इसका डायरेक्शन आप चेंज करेगा तो, ठीक है, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये ऑफ हो जाता है। आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए रिमोट दबाने के बाद इसका LED बहुत फुल ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इसका डायरेक्शन चेंज करने के बाद तो ये ऑन नहीं होगा। अब देख सकते हो इसका सिंपल सा सर्किट है, ओनली एक 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया हूँ, और एक LED, और दोस्तों एक सेंसर है। तो दोस्तों ये बड़ा वाला सेंसर है, आप छोटा वाला सेंसर को यूज़ कर सकते हो। तो इसका ब्लॉक डायग्राम देख के आपको दिखाऊंगा कि आप छोटा वाला यूज़ कर सकते हो, बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बैटरी का चार्जिंग करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट लगाया, ठीक है। ये चार्जिंग सॉकेट जो लगा है ये बहुत आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो दो पिन है, एक पिन का अंदर मैं एक डायोड लगाया, किस तरह लगाया और इसका काम क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा और ड्राइंग करके भी समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और चलिए आपको अभी दिखाऊंगा कि इन्हें ये जो दो वायर है, दो वायर को कनेक्ट करके फाइनली दोस्तों ये पूरा चार्जिंग सिस्टम को रेडी कर दिया। किस तरह मैं कनेक्ट के देखिए, जो प्लस लाइन है, जो पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट होता है इसका साथ, जो डैक डायोड लगाया चार्जर साथ, तो ये दोस्तों पॉजिटिव जो बैटरी का रेड पॉइंट है, पॉजिटिव प्लस का, ये लाइन का अंदर लगाया, ठीक है, ठीक है। और बैटरी का जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव देखिए, ये सेंसर का अंदर लगाया, और यहाँ से ये नेगेटिव पॉइंट को, ठीक है, ये देखिए जो चार्जिंग कनेक्टिंग का जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर लगाया, और यहाँ से जो इंडिकेटर LED है, चार्जिंग का इंडिकेटर LED है, इसका साथ मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ये रेजिस्टेंस 470 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं चार्जिंग करके सप्लाई देके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका इंडिकेटर इस तरह ऑन होगा और बैटरी भी चार्ज होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद तो दोस्तों दोबारा मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह ये चार्ज होने लगता है और इंडिकेटर भी दिखा जाएगा इसी तरह, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सप्लाई को दोबारा ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ढक्कन जो है, ढक्कन का अंदर मैं पूरा डिब्बा का अंदर मैं ये रख दिया। ये अलग तरीका से टाइट करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सेट करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सेंसर किधर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर भी सप्लाई देकर आपको दिखा रहा हूँ कि ये चार्ज हो रहा है, सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। आपको लास्ट में फिर भी एक बार टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी पोजीशन पर ये रख सकते हो। और इसका जो कैचिंग पावर है ये बहुत दूर से ये काम करेगा, ठीक है दोस्तों। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा ये जो रिपेयरिंग का जो काउंटर है, इसका पूरा अंदर मैं इसको रख देता हूँ। रखने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये कैच कर रहा है मेरा ये जो रिमोट है, रिमोट लेके। तो दोस्तों इसका रेंज आप देख सकते हो, मेरा पास ये जो रिमोट है, ये रिमोट लेके भी टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। और मेरा लड़का भी ये मेरा शॉप के अंदर घूमने के लिए आया है, और वो बहुत इधर उधर कर रहा है और रिमोट लेके चला गया। देखिए ये दूर से ही रिमोट लेके दबाया और ये कैच कर रहा है रिमोट से कार, ठीक है, आप देख सकते हो। और
मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रिमोट है बहुत बाहर से ये दबाया और पूरा घर का अंदर ये काम कर रहा है। अभी भी देख सकते हो ये और दूर चला गया और बाहर से रिमोट जब दबाया ये सेंसर कैच कर रहा है, अब देख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं दोबारा आपको कंफर्म कर देता हूँ ये रिमोट लेके कि देखिए दोस्तों ये रिमोट दबाने के बाद ये भी काम कर रहा है। तो दोस्तों जिस तरह मैं काम किया और जो सेंसर मैं कनेक्ट करके आपको दिखाया, तो दोस्तों ये बड़ा टाइप सेंसर है। ठीक है, तो ये बड़ा टाइप सेंसर इसी तरह देखा जाता है, इसका बाएं साइड दोनों पिन सामने सामने देखा जाता है और राइट साइड एक बड़ा वाला पिन देखा जाता है। तो दोस्तों ये आईआर का, ठीक है, और इसका मिडिल पिन प्लस का मतलब पॉजिटिव सप्लाई आता है, और ये दोस्तों लेफ्ट साइड ये नेगेटिव का। ठीक है, और जिस तरह मैं कनेक्ट किया तो दोस्तों ये दोनों साइड का राइट साइड का दोनों पिन लेके इसका साथ मैं एलईडी को कनेक्ट किया। एलईडी को किस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये आईआर साइड पॉजिटिव हुआ एलईडी का, और दोस्तों ये जो नेगेटिव है दोस्तों एलईडी का नेगेटिव ये साइड होगा मतलब आईआर का, और जो एलईडी का पॉजिटिव साइड है ये आईआर का पॉजिटिव साइड का साथ कनेक्ट होगा। और दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट का साथ बैटरी का जो प्लस लाइन है प्लस लाइन का साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है आईआर सेंसर का ये नेगेटिव, तो दोस्तों बैटरी का नेगेटिव का साथ कनेक्शन होगा। और चार्जिंग जो पॉइंट मैं जिस तरह कनेक्ट किया, तो मान लो ये चार्जिंग का सॉकेट है और चार्जिंग सॉकेट आप चार्जिंग पॉइंट को इन करके देखिए कि कौन सा प्लस और कौन सा नेगेटिव होगा। दोस्तों जिस हिसाब से आपको प्लस साइड देखने को मिलेगा, प्लस साइड का अंदर आपको इसी तरह डायोड यूज़ करना पड़ेगा, डायोड का पॉजिटिव साइड इसका बाहर होगा और ये लाइन से सप्लाई ये बैटरी का अंदर जाएगा मतलब बैटरी चार्ज होगा, और डायरेक्ट ये नेगेटिव ये बैटरी का अंदर चला जाएगा, बैटरी चार्ज होगा। दोस्तों बैटरी से बैकिंग वोल्टेज इधर नहीं आएगा क्योंकि बीच में डायोड है, और इसीलिए ये डायोड का पहले आपका एक रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डायोड का पहले एक रेजिस्टेंस को मैं यूज़ किया, इसका वैल्यू 470 ओम का है। ठीक है, और ये जो एलईडी है एलईडी का पॉजिटिव साइड इधर होगा, एलईडी को अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा एलईडी का अंदर एक चौड़ा वाला पत्ती देखा जाएगा, तो दोस्तों वो नेगेटिव साइड होगा। तो वो लाइन से दोस्तों ये मैं डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, जो दोस्तों बैटरी का नेगेटिव है और चार्जिंग का भी नेगेटिव है। तो इसी तरह इसका चार्जिंग होने के बाद इसका इंडिकेटर चलेगा, चार्जिंग ऑफ कर देगा तो इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। और जो ड्राइंग मैं सर्किट का अंदर दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों ये बड़ा वाला सेंसर का जिस तरह मैं यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है, ये बड़ा वाला सेंसर लेके, ठीक है। और दोस्तों आप छोटा वाला सेंसर को भी यूज़ कर सकते हो, तो छोटा वाला सेंसर यूज़ करेगा तो इस तरह मैं एक ड्राइंग किया बहुत आसान तरीका से, आप देख सकते हो इसका कनेक्शन किस तरह कराना पड़ेगा। छोटा वाला सेंसर होगा तो दोस्तों उसका आईआर का ये जो लेफ्ट साइड ये दोस्तों आईआर पॉइंट होगा, मिडिल ये नेगेटिव होगा और इसका राइट साइड पॉजिटिव होगा, ये आपको तीनों पिन को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव साइड इधर होगा तो ये लाइन से जो एलईडी मैं कनेक्ट किया इसका साइड एलईडी का पॉजिटिव होगा, और ये साइड दोस्तों नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आईआर का साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये आईआर का जो माइनस है ये माइनस डायरेक्ट बैटरी का नेगेटिव का साथ कनेक्शन होगा, और ये जो पॉजिटिव साइड है बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन होगा। और दोस्तों चार्जिंग सर्किट जो बना के आपको दिखाया, ठीक है, सिर्फ इसका साथ वो चार्जिंग पॉइंट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये बैटरी का नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह मैं इसका अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी का जो ये पॉइंट है नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव लाइन जो है इस तरह आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो नेगेटिव है नेगेटिव के साथ आपको इस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, तो चार्ज हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल आज करने के लिए।